आपको पता है ये जो पवित्र बाइबल है हमारे हाथ में पहुंचाने तक कितने लोगों की जाने गई है, कितने लोगों ने अपनी जाने गवाई है, बोलो क्या है, कितने लोगों ने अपनी जाने गवाई है इस वचन को हमारे तक, क्योंकि ये शुरू में ये वचन हिब्रू भाषा में लिखा गया था, हाँ, और ये ट्रांसलेट हुआ, बोलो क्या है, ट्रांसलेट, और कितने लोगों की इस चीज को अनुवाद करने के कारण बहुत से लोगों की जाने चली गई, और कितने ऐसे देश हैं जिनमें अभी भी ये यीशु का शुभ समाचार अगर वो सुनाए, जहां उसमें कोई भी बाइबल या किसी भी तरह की कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करे कोई बंदा, तो स्वयं उसको डेथ मतलब मौत की सजा है। किस चीज की है? मौत की। ये कौन से देश हैं दिखाना, मैं आपको बताता हूं, दिखाना ये दिखाओ पिक। किन किन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जिनमें यीशु मसीह का शुभ समाचार उसके बारे बताना सख्त मनाही है? इनमें से ये तीन देश हैं जिनमें सबसे ऊपर है सोमालिया, और दूसरा नॉर्थ कोरिया, और तीसरा ये क्या लिखा है, तीसरा कोलंबिया, बोलो क्या है, सबसे सोमालिया, फिर नॉर्थ कोरिया और फिर कोलंबिया। ये तीन देश हैं जिनमें आज भी यीशु मसीह का अगर कोई संदेश कुछ मैसेज दवाए तो उनका ये उनकी जो सरकार है उनका ये मैसेज है कि उन्हें खत्म करता हूं, क्या कर दो, खत्म कर। पर इनके कुछ पड़ोसी देश हैं जिनमें से एक देश है उसका मैप दिखाना, दिखाना इसका भी, ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल करीब है, बोलो क्या है, ये नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल करीब है, और ये साउथ कोरिया प्रभु पे विश्वास करता है, और ये क्या कर रहे हैं लोग अभी कि ये लोग साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया को अलग अलग तरीके से परमेश्वर के वचन को भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ये परमेश्वर के वचन को भेज रहे हैं, कैसे कैसे भेज रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं ये साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया में कैसे परमेश्वर के वचन को भेजते हैं, दिखाना वो वीडियो भी, दिखाना दिखाना वीडियो, ये ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन में, ये साउथ कोरिया के लोग हैं, ये एक बॉटल में मेमोरी कार्ड है जिसमें आइडियो आइडियो मेमोरी कार्ड है, जो अभी आपने वीडियो देखी, ये बॉटल में वो मेमोरी कार्ड डालकर आइडियो एक नदी में फेंकते हैं, तो नॉर्थ ये नदी नॉर्थ कोरिया को जाती है, और ये उसको उस बॉटल को पकड़ते हैं, और जब ये उस मेमोरी कार्ड को अपने फोन में डालते हैं और किसका शुभ समाचार सुनते हैं, और कुछ लोग कितनी मेहनत से क्या कर रहे हैं, बोलो क्या है, और आपको इस वचन के मूल्य की कीमत का पता ही कुछ नहीं, हाँ बोलो क्या है, और ये साउथ कोरिया के लोग क्या करते हैं, ये एक तो नदी में मेमोरी कार्ड बॉटलों में ढालकर आइडियो मैसेज भेजते हैं ताकि लोग अपने फोन में डालें और यीशु मसीह के बारे सुने, इस सत्य को, इस सच्चाई को, और साथ ही ये लोग अखबारों में जो नया नियम है उसमें ढालकर, इसकी वीडियो भी दिखाना, हाँ दिखा, ये भी साउथ कोरिया के, ये मैप में दिखा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया में कैसे उन गद्दारों को, हाँ ये उनका मैप है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये दोनों ये लोगों को दूसरों को समझा रहे हैं, और समझाने के बाद ये देखो गब्बारों को हवा से भर रहे हैं, ये इस वीडियो में देखो ध्यान से अपनी स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, ये गब्बारों को भर रहे हैं, और इनमें जो नया नियम का वचन है ये हवा में उठाते हैं कि नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास, ये देखो हवा में गुब्बारे सब उठ गए, और इसमें नए नियम न्यू टेस्टमेंट है, और ये नॉर्थ कोरिया के लोगों को भेज रहे हैं ताकि उनको किसका वचन बताया मिले, ताकि लोग जो परमेश्वर के वो बचाए जाएं, क्योंकि पूरी पृथ्वी के जो लोग हैं किसके किसके लोग हैं, किसके लोग हैं पूरी पृथ्वी के लोग,
क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने जिसने इस धरती को बनाया उसने एक मनुष्य से पूरी दुनिया को बनाया। कितनों का समझ आ रही, समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा कि ये जो पवित्र बाइबल है जो हमारे हाथ में, आज किसी के पास पंजाबी की है, किसी के पास हिंदी की है, हाँ कितनी अलग अलग भाषा में ये लिखी गई, उनमें से एक हम देखेंगे, एक पिक को दिखाना, एक पिक जिनका नाम विलियन टेंडे ऐसे नाम था, उनकी पिक दिखाओ, ध्यान से देखो, इनका नाम विलियम ऐसे टेंडे करके था, और ये सात भाषा जानते थे, ये हिब्रू भी जानते थे, सात भाषा, और इन्होंने परमेश्वर का वचन चाहा कि मैं इंग्लिश में भी अनुवाद करूं, और इस पूरे बाइबल को इन्होंने एक पेज पर लिख कर पूरा वचन को अनुवाद किया। बोलो क्या किया, पूरे वचन को इंग्लिश में इसकी इनकी चाहत थी, हाँ, और ये इस वचन को इंग्लैंड में भी लेकर गए, और वहां पे इनका बहुत विरोध हुआ। बोलो क्या हुआ, बहुत विरोध हुआ, और लास्ट कार इनका विरोध होने के बाद इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट तो किया, पर कुछ समय बाद लोगों ने विरोध किया और ये पकड़े गए। वो पिक दिखाना अभी, ये देखो, और लोगों ने इसे पकड़कर चौराहे में जिंदा जला दिया। क्या कर दिया, इस विलियन टेंडे को लोगों ने पकड़कर जिंदा जला दिया। आप सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आए हो, और कुछ लोग इस सच्चाई को जानकर अपनी जाने भी क्या कर रहे हैं, और ये नहीं है कि परमेश्वर देगा नहीं, हाँ, पर ये मैं सत्य बता रहा हूं कि लोग इस सच्चाई को हमारे तक पहचाने के लिए, इस जीवन को, वचन जीवन के वचन को, कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, क्या दिया, कितने लोगों ने अपने, जैसे ये विलियम टेंडे ने, और इसका लिखा ये 1500 कुछ 1536 बोलो 1536 में इन्हें पकड़ लिया और चौराहे में पकड़कर जिंदा जला दिया। बोलो, अभी कुछ लोग हैं हमारा काम नहीं हुआ, मन खराब कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने जीवन का बलिदान भी दे रहे हैं। कितनों को समझ आ रही है, हाँ? और एक पिक और दिखाना, जिस भाई का नाम, वो वाली पिक दिखाना, हाँ, ये ध्यान से देखो, ये भाई इन्होंने पीछे बैग डाला, अपनी स्क्रीन पे देखो, अपने पीछे बैग डाला है ना, ये जंगलों की तरफ जा रहा है, इनका नाम रोलर है, ये भी फॉरनर से हैं, और ये जंगलों में जा रहे हैं किसका, शुभ समाचार लेकर, और इन जंगलों में बहुत से आतंकवादी, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, वो कहता कोई बात नहीं, अगर मेरी जान जाने से कई लोगों को इस वचन से, मेरे पहचाने से अगर उन्हें जीवन मिल जाए तो मेरी जान की कोई बात नहीं। ये रोलर नाम है जो भाई जंगलों में से भीच होकर भी लोगों के पास बाइबल को बांटता है। क्या करता है, बाइबल को बांटता है। ये कितनी बड़ी सच्चाई है, हाँ बोलो क्या है, ये कितनी बड़ी सच्चाई है, कितना बड़ा जीवन का वचन है। ओके ठीक है, पर अगर हमें समझ नहीं आ रही तो हमें जीवन नहीं मिलेगा, हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें बरकत, अगर हमें ये समझ आ गई तो यीशु मसीह ने कहा तुम ज्योति हो, तुम छिप नहीं सकते, हाँ तुम छिप नहीं सकते, दुनिया की हर आशीष आपके पास होगी। आमीन।